स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 15 दैट इज ग्रेट पीपल। अब हम अपनी कंट्री के खुद ग्रेट पीपल्स की बात करेंगे, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये क्या है, हमारे ग्रेट पीपल्स है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। ग्रेट पीपल्स आर रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड नीड्स बट होल्ड देयर पोजिशन हाईली एंड नेवर ट्रीज फ्रॉम नेगेटिव सिचुएशन बट ओनली स्टेज इन देम टू मेक अ पीस। इन इंडिया मैनी ग्रेट पीपल हैव टेकन बट लेट अस नो अबाउट देम। ठीक है, ग्रेट पीपल क्या करते हैं, सबके रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि वो अपने आप को, वो क्या करते हैं, जिसको जिस चीज़ की नीड हो उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रेट पीपल्स हैं, अब हम बात करेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी। फर्स्ट ग्रेट पर्सनैलिटी इज महात्मा गांधी। ये कौन है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। His full name was Mohan Chand Karamchand Gandhi. His father name was Karamchand Gandhi and his mother name was Putli Bai. Mahatma Gandhi कब born हुए थे, 2 अक्टूबर 1865 में। जिनका कंप्लीट नेम है वो क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, और जिनके फादर का नाम है वो क्या है, करमचंद गांधी, और जिनकी मदर का नाम है वो क्या है, पुथली बाई। Now, when Bapu was a little boy, he called Mohan. When he grew up, he became the leader of the people. He began to be called Mahatma Gandhi. ठीक है, जब वो छोटे थे little boy तो उनको क्या कहते थे उन्हें मोहन कहते थे, और जब वो बड़े हो गए तो उनको क्या कहने लगा, कहा जाने लगा, महात्मा गांधी। बापू helped us to get freedom of our countries. इन्होंने हमें अपनी freedom दिलाने में इन्होंने हमारी help करी है। गांधी जी was called बापू। बापू was a simple man. He wore simple clothes. He ate simple food. He loved children. ठीक है, बहुत सिंपल मैन थे जो बापू थे, बहुत सिंपल मैन थे। वो सिंपल फूड खाते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे, आपने देखा होगा वो धोती पहनते थे। ठीक है, और बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था। पीपल विल ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट हिम। बापू बिलीव इन अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस। ठीक है, बच्चे ये सब इनको बहुत ज़्यादा लव और रिस्पेक्ट देते हैं, और ये किस में बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो। ठीक है, आराम से काम करो। ही टॉट टू हिज कंट्री मैन टू फाइट ब्रिटिश विदाउट वायलेंस। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कंट्री को ये बताया कि आपको लड़ना है ब्रिटिशर्स से, लेकिन नॉन वायलेंस तरीके से, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका। जो अब नेक्स्ट पर्सनैलिटी हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, अशोका के बारे में पढ़ेंगे। Ashoka was a brave king. He belonged to Mauryan dynasty. He fought many wars and made India united. ठीक है, ये बहुत brave king थे, और ये कौन से dynasty को belong करते थे, Mauryan dynasty को। ठीक है, इसने बहुत सारे क्या करा है, बहुत सारे war fought करे हैं India को unite करने के लिए। He ruled a large empire and he had a neighbor city called Kalinga. इसने बहुत बड़े empire को rule करा, और जिनकी neighbor city थी वो क्या थी, Kalinga. Ashoka wanted to make it a part of its empire. He had a war. His war was very destructive. Many people lost their lives in the war. Jinka war tha bahut destructive tha, matlab bahut zyada maar kaat wala, bahut to ki isme jaan chali gayi thi. Ashoka won the war, but he was deeply grieved by his war. He did not have war in with any country in future. Theek hai, unko ye wala war ladke bahut grieved feel hua, aur inhe laga ki ab main kabhi kisi aur country se war नहीं करूँगा। He changed himself and followed the Buddha religion. He served his country well. He made many changes in the administration. Now people were happy with him. ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने चेंजेस लेके आए, इन्होंने बुद्धा का रिलीजन फॉलो कर लिया, और उन्होंने क्या करा, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस लेके आए, और अब लोग भी उनसे खुश रहने के। नेक्स्ट इज शिवाजी। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, थर्ड पर्सनैलिटी दैट इज शिवाजी। अब हम शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ मराठास। ही वॉज वेरी क्लेवर लीडर। द मुगल एम्परर औरंगजेब वॉन्टेड टू मेक हिम अ मुगल ऑफिसर। शिवाजी बहुत बड़े ग्रेट लीडर थे मराठास। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था, लालची था। ठीक है, और जो औरंगजेब था, रोका जाता था इनको मुगल ऑफिसर बनाना, बट ही रिफ्यूज, सो ही वॉज अरेस्टेड। लेकिन उसने ज़्यादा रिफ्यूज कर दिया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। Soon he got an idea. He remembered the big basket used to carry sweets and fruits. ठीक है, वो भागा था पता जेल से, तो उसने इजन सोचा जो बड़ी बास्केट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की,
Then one day he lifted the lids of two baskets and removed some of the boxes and crawled inside with his son. उन्होंने अगर अपने बेटे के साथ उनके अंदर घुस गए. Carefully the boxes were covered with the same lid. और फिर उसे उन्होंने लिड से बॉक्सेस को कवर कर लिया. Now soon the baskets were carried out of the boat. The Maratha leader waited for the right moment. Then he and his son leaped from the basket and made their escape. ठीक है, उन्होंने अगर जैसे बास्केट पोर्ट पे गई उसका इंतजार करा कि कब राइट टाइम आएगा और सर निकले और दोनों के दोनों उसका बेटा भी और वो भाग गए. Nobody could catch them. Shivaji made his way back to Deccan where he was greeted with joy. कोई इनको पकड़ नहीं पाया. फिर उन्होंने कहा गए डकन में आ गया और वहाँ पे वो बहुत अच्छे से रह रहे थे. ठीक है, अब तो प्रीव्यू करेंगे. हमने क्या क्या पढ़ा, गांधी जी को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ द नेशन. अशोका क्या थे, मुगल रूलर थे. एंड शिवाजी वॉज अ मराठा रूलर, वो बहुत क्लेवर थे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.